हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं विक्की भड़ताल और आज मैं आ रखा हूँ बजाज के शोरूम में, केडी बजाज में, नोएडा सेक्टर 63 में। आज सामने खड़ी है बजाज डोमिनेट 250। इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या प्राइस है और क्या फीचर्स हैं इस बाइक के, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इस प्राइस रेंज में आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं शोरूम की डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको अगर बजाज की किसी भी बाइक के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप कॉन्टैक्ट करके शोरूम से इंक्वायरी कर सकते हैं। बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है नोएडा उत्तर प्रदेश में 1,92,400 रुपीज़ है ऑन रोड, जिसमें कि सारे आपके रोड टैक्स वगैरह इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूड है। आपके स्टेट में ही अलग भी हो सकता है वहाँ के जो RTO वगैरह के हिसाब से। इसके 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। अभी जो है ये ब्लैक ग्रे सामने है। बात करें सबसे पहले फ्रंट से, तो फ्रंट में इसमें आपको LED हेडलाइट मिल जाएगी जिसका थ्रू काफ़ी अच्छा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इसमें AHO फंक्शन है, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन। जब आप चाबी लगाएंगे तो फ्रंट की मतलब हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। वहीं ऊपर छोटी सी विंडशील्ड दे रखी है, विंडशील्ड ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप आफ्टर मार्केट भी इसमें लगा सकते हैं बड़ी विंडशील्ड अगर आप ट्रैवल टूर वगैरह करते हैं तो। यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दे रखी है। इंडिकेटर्स इसके LED इंडिकेटर्स हैं और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इंडिकेटर्स में। मडगार्ड की बात करें तो ग्लॉसी ब्लैक कलर में। अब बात करते हैं ब्रेक व्हील एंड सस्पेंशन की। सेफ्टी फीचर को देखते हुए कंपनी ने इसमें ड्यूल चैनल ABS दे रखे हैं। मैं आपको एक बार ABS की रिंग दिखा देता हूँ किस तरीके की ABS की रिंग होती है। ये जो आपको रिंग देख रही है ये ABS की रिंग होती है। बोथ साइड डिस्क ब्रेक है। फ्रंट पे जो डिस्क है उसका साइज़ है 300 mm, बाइब्रा के कैलिपर है। फ्रंट के टायर साइज़ की बात करें तो 180/17 के टायर है, 17 इंच के अलाविल से। MRF के टायर है, ट्यूबलेस टायर है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक USD फोक 135 ट्रैवल वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। लिक्विड कूल्ड इंजन है ये रहा इसका, सिंगल ऑरन है। ये इंजन काउल बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 248 cc का इंजन होता है मिलता है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 26.63 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क देता है 23.5 न्यूटन मीटर का। सिंगल सिलेंडर इंजन है, लिक्विड कूल्ड है वो मैंने आपको बता दिया। 6-speed गियर बॉक्स है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है, 13 लीटर का टैंक है और 30-35 की एवरेज बाइक आराम से दे देती है। ये टैंक में डोमिनार का 3D में लोगो है, ग्राफिक्स हैं। इस टाइप के मिरर मिल जाते हैं। बात करें की तो की कुछ इस टाइप की मिलती है, सिंपल सी बजाज की। अब बात करते हैं मीटर कंसोल की। मीटर कंसोल फुल्ली डिजिटल है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर एंड सारे के सारे आपको ओडोमीटर डिजिटल मिल जाते हैं। स्टैंड अलार्म, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, क्लॉक, शिफ्ट लाइट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्टेट हैंडल बार है। ये इंजन किल स्विच है, यहाँ पे स्टार्ट का बटन, लो बीम, हाई बीम, पास का बटन, इंडिकेटर्स और हॉर्न। यहाँ पे बैटरी वगैरह के लिए दे रखा है। इस टाइप का फ्यूल गेज है। एक बार मैं आपको फ्यूल टैंक ओपन करके दिखा देता हूँ। सीटिंग की बात करें तो ड्यूल सीटिंग सेटअप है, पिलियन एज वेल एज राइडर के लिए।
सीट काफ़ी अच्छी है, कुछ नहीं है, पैडिंग जो करी है कंपनी ने काफ़ी अच्छी करी है, ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लेन और रेडर दोनों को, प्लेन के लिए ग्रैब रील दे रखी है, स्प्लिट ग्रैब रील से ब्लैक कलर की, वहीं पर ही फुट रेस्ट दे रखे हैं, ये साड़ी गार्ड दे रखा है, साइड स्टैंड एज वेल एज सेंटर स्टैंड, इसमें साइड नहीं है। ओपन चेन सिस्टम है, आपको हर 1000 किलोमीटर के बाद आपको चेन क्लीन करनी पड़ेगी, लेकिन ओपन चेन क्लीन सिस्टम होना चाहिए कि आप इजीली चेन क्लीन कर सकते हैं घर पे। पीछे भी ABS है, मैं आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक दिखा देता हूँ, ये आपके डिस्क हो गए, पीछे भी बाइक ब्रेक के डिस्क है। जो रेयर का टायर है 130/70/17 का है, ट्यूबलेस टायर है ये, रेयर शॉकर, ड्यूल बैरल एडजॉक्स है, साउंड काफ़ी अच्छी है, एक बार मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ। अच्छा स्टैंड भी नहीं होगी, यहाँ पे डोमिनार 250 की बैजिंग है, ये कुछ इस तरीके का रेयर लुक है, रेयर में भी LED टेल लाइट है, ये इंडिकेटर, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर। अब बात कर लेते हैं वारंटी की, इसमें आपको 5 साल और 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है जो भी पहले आता है। डायमेंशन की बात करें तो 180 kg का कव वेट है, आप जब फ्यूल फिल कराएंगे तो और हो जाएगा। हाइट की बात करें तो 1012 mm की हाइट है, और व्हील बेस है 1453 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm की, और सीट हाइट है 800 mm की। ओवरऑल बाइक देखने में काफ़ी अच्छी है, टूरिंग पर्पज़ के लिए अगर आप कोई बाइक देख रहे हैं तो आप काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। सबसे बड़ी बात बजाज की बाइक है तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी सर्विस सेंटर मिल जाएंगे इजीली। ये साइड में क्रैश गार्ड दे रखा है, होप वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके कोई डाउट हो इस बाइक से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके आंसर जरूर करूँगा। वीडियो यहाँ तक देखिए, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा शोरूम की, आप फाइनेंस वगैरह स्कीम के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शोरूम को, इनके पास काफ़ी बैंकों के अवेलेबल रहते हैं, जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको ये बता देंगे। बाकी आप दिल्ली NCR नोएडा से हैं तो आप विज़िट भी कर सकते हैं शोरूम में। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सेफ राइडिंग, ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग, थैंक यू सो मच।